नमस्कार, जय जय सियाराम। किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए हम जो है कई प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हैं, परंतु प्रत्येक देवता की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में उस देवता से संबंधित गायत्री मंत्र बताया गया है। जो गायत्री मंत्र आप जानते हैं वह गायत्री देवी का ही गायत्री मंत्र है, इसीलिए आप उसे गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। परंतु हर एक देवता का एक विशेष गायत्री मंत्र होता है। भगवान शिव का एक विशेष गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह जो मंत्र है यह भगवान शिव का गायत्री मंत्र है, इसे हम रुद्र गायत्री बोलते हैं। तो इसी प्रकार हर एक देवी देवता के लिए एक एक विशेष जो है गायत्री मंत्र बताया गया है। आज हम भगवान गणपति के जो गायत्री मंत्र हैं उन गायत्री मंत्रों की यहाँ चर्चा करेंगे। भगवान गणपति के कितने गायत्री मंत्र हैं और वह कहाँ वर्णित हैं, इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। गणपति गायत्री मंत्र को जानने से पूर्व हम जो है गणपति गायत्री मंत्र के अनुष्ठान के विषय में जान लेते हैं कि हम गणपति गायत्री मंत्र से किस तरह से अनुष्ठान कर सकते हैं। गणपति गायत्री मंत्र का आप नित्य 108 बार पाठ कर सकते हैं, इसे जो है गणपति गायत्री जप कहा जाता है। जब भी किसी मंत्र का लगातार पाठ किया जाता है तो उस पाठ विशेष की क्रिया को जप कहते हैं। तो आप गणपति गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान गणपति की गायत्री मंत्र का पाठ करके आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप जो है गणेश जी के मंत्र का पाठ करते जाइए गायत्री मंत्र का, और उनके ऊपर दूध की धारा अथवा जल की धारा से अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी मंत्र के द्वारा, गणपति गायत्री मंत्र के द्वारा, आप हवन भी कर सकते हैं 108 बार, 501 बार, और इसके अलावा 1100 बार, कम करना चाहते हैं तो 21 बार। तो इस तरह से आप गणहोम कर सकते हैं। इस हवन को गणहोम कहा जाता है, गणपति होमम कहा जाता है। तो आप गणपति गायत्री मंत्र के द्वारा हवन भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि गणपति गायत्री मंत्र कितने प्रकार के हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा में मंत्र बताया गया है, ओम तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महोत्कटाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। भगवान गणपति से संबंधित पुराण, उपनिषद एवं अन्यान्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात हमें यह 6 प्रकार के गणपति गायत्री मंत्र प्राप्त हुए हैं। तो आप इन 6 गणपति गायत्री मंत्रों में से किसी एक गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, परंतु जो गणपति उपनिषद में गायत्री मंत्र बताया गया है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, यह जो गणपति गायत्री मंत्र बताया गया है यह जो है बहुतायत में प्राप्त होता है। बहुत लोग इसी मंत्र का जप करते हैं, अतः आप भी चाहें तो इसी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं।
परंतु इसके अलावा भी जो हमने मंत्र बताए हैं वह भी पुराणोक्त हैं, उपनिषदों में बताए गए हैं। इसलिए आप उनमें से किसी एक का भी अनुष्ठान करते हैं तो भी जो है आपको वही फल प्राप्त होने वाला है जो गणपति उपनिषद के गायत्री मंत्र से प्राप्त होगा। आशा करते हैं यह एक विशेष वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित हम इसी प्रकार की दिव्यातिदिव्य जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।